हेलो दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि 2019-20 के जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे जिसमें आपको प्रमोट कर दिया गया था, तो उसके बेस के बारे में बात किया जाएगा कि किस तरह से उसको बताया जाए, किस तरह से कौन सी डिग्री आपको मिली है उसके बारे में बात किया जा रहा है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के बारे में, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार यानी कि एक बात बताया गया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यह चीज़ लाई गई है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, उसमें बताया गया है कि सेवा में प्राचार्य समस्त संबंध महाविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, यानी कि सिद्धार्थनगर से संबंध जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उन सभी महाविद्यालयों के लिए यह पत्र लाया गया है। विषय क्या है कि 2019-20 की जो परीक्षा थी, 19-20 की जो उपाधि डिग्री थी उसको त्रुटि रहित मुद्रित कराए जाने के संबंध में यह बात किया गया। इसमें कहा गया है कि अवगत कराना है कि वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा 2019-20 की उपाधि यानी कि डिग्री को त्रुटि रहित मुद्रित कराए जाने हेतु महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार परीक्षार्थियों के नाम, माता एवं पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी आदि की सूची आपके कॉलेज लॉगिन आईडी का पर प्रेषित की जा रही है, जिसको अपने स्तर से परीक्षण कर यदि कोई संशोधन हो तो साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय में दिनांक 7/6/2021 तक ईमेल आईडी siddharth@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे परीक्षा वर्ष 2019-20 की उपाधि डिग्री त्रुटि रहित मुद्रित कराया जा सके। यानी कि 2019-20 में जो परीक्षाएं हुई थी उसका अगर आपको मार्कशीट किस तरह से उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें आपके नाम, आपके पेरेंट्स के नाम, आपकी जन्मतिथि, आपकी श्रेणी, ये सारी चीज़ें करेक्ट हो, तो इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी कॉलेज के जो लॉगिन आईडी है उसे प्रेषित कर दिया गया है। आपको जाकर के उसमें चेक करना है कि क्या आपके सारे डिटेल्स सही हैं। अगर सही हैं तो 7/6/2021 तक आपको अपडेट कर देना है कि हाँ ये सही है, अगर कुछ गलत है तो उसको भी बताना है। इसके बाद क्या बताया गया है, अतः यदि किसी परीक्षार्थी के नाम, माता एवं पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी आदि में कोई त्रुटि हो तो संशोधित डाटा 7/6/2021 यानी कि 7 जून तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि महाविद्यालय द्वारा सही डाटा निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया गया तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। विश्वविद्यालय उपलब्ध डाटा के आधार पर उपाधियां मुद्रित करा देगा। भविष्य में यदि महाविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण उपाधि मुद्रित होने की शिकायत की जाती है तो उस उपाधि को पुनः मुद्रित कराए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ₹500 प्रति छात्र की दर से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा कराना पड़ेगा। यानी कि अगर महाविद्यालय ये सारे डाटा को क्लियरली नहीं भेजता है विश्वविद्यालय के पास तो महाविद्यालय को ₹500 प्रति छात्र के हिसाब से देना पड़ेगा। ये बताया गया है परीक्षा नियंत्रक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के द्वारा 1 तारीख को ये रिपोर्ट बताई गई है। तो इस तरह से ये बातें की जा रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर इन बी ए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।